नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी पीएम किसान योजना के लिए अप्लाई किया है और आपका पैसा 2000 रुपये की जो किस्त है अभी तक नहीं आ रही है, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम आ रही है वो सब। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पीएम किसान योजना से रिलेटेड आपकी डिटेल्स चेक करने के लिए आपको गूगल पे सर्च करना है pmkisan.gov.in। ये है गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब देखिए, वेबसाइट खोलने के बाद में यहाँ पे नीचे की साइड में आप आओगे तो यहाँ पे देख रहे हो आप बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। अगर आपने अभी तक इस योजना के लिए अप्लाई नहीं किया है तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करके, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप अपना फॉर्म भर सकते हो। और इसके अलावा और भी काफ़ी ऑप्शंस हैं। बेनिफिशियरी स्टेटस का जो एक ऑप्शन है यहाँ पे, इस पर आप क्लिक करके आप चेक कर सकते हो कि आपका क्या स्टेटस है। चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे नो बेनिफिशियरी स्टेटस वाला पेज खुल जाता है। इसमें आपको तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आधार नंबर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर। आप इन तीनों चीज़ों से अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। हम आधार नंबर भी डाल सकते हैं, अकाउंट नंबर डाल सकते हैं, फिर मोबाइल नंबर भी यूज कर सकते हैं। अभी मैं देखिए मोबाइल नंबर यूज कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर वाले पे क्लिक करने के बाद मैं मोबाइल नंबर टाइप करता हूँ। देखिए मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको गेट डाटा पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए, अगर आपके मोबाइल नंबर से एक ही अकाउंट होगा तो सीधा आपको शो कर देगा। अगर ये मोबाइल नंबर किसी दो अकाउंट में लिंक है तो आपको नीचे फार्मर नेम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें दो नाम दिखा रहा है तो इसमें से एक को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने नाम सेलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे ये इस फार्मर की पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो कर रहा है। नाम क्या है, मोबाइल नंबर, इनका डिस्ट्रिक्ट एड्रेस वगैरह, इनका जो भी सब है, कब इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है और ये सब, और इनका पेमेंट कब कब हुआ है, वो सब भी यहाँ पर शो करा देते हैं। इनकी 6 इंस्टॉलमेंट्स आ चुकी है, यानी कि 6 किस्त इनका पेमेंट हो चुका है और 6 की 6 का यहाँ पे स्टेटस शो कर रहा है कि किस किस डेट को पेमेंट हुआ है। तो आप भी इसी तरह आप अपना चेक कर सकते हैं। और अगर आपका इसमें शो नहीं कर रहा है तो आप ई मित्र पे जाके अपना फॉर्म भरवा सकते हैं दोबारा से और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें आपके गांव में और कौन कौन से लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं उसका भी पता कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये बेनिफिशियरी लिस्ट है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए जो पेज खुलता है, इसमें आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, ब्लॉक, ये सब अपना सिलेक्ट करना है। ये सब सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे गेट रिपोर्ट पर क्लिक करोगे, आपको आपके गाँव में जितने भी लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं सबका नाम यहाँ पे दिखाई दे देगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव कुछ भी हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।